के क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक हाइपोथेसिस है कि मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुआ है वो कैसे फॉर्म हुआ है और इसका जो ये शेप मिलता है मॉलिक्यूल का वो कैसे बनता है, यानी कि कैसे कोई बॉन्ड फॉर्म हुआ उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम लोग कार्बन जो है उसके लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा, 1s2, 2s2 एंड 2p2। यानी कि कार्बन का जो वैलेंस सेल है वो क्या है, सेकेंड सेल है, और इसके पास 2s में दो इलेक्ट्रॉन है और 2p पे दो इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई बॉन्डिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, तो उस केस में क्या होता है कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, यानी कि दोनों जो एटम होगा वो 1-1 इलेक्ट्रॉन अपना देगा और उनके बीच में वो शेयरिंग करेगा और उससे जो है बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ क्या हो रहा है, एक तो कम्प्लीटली फुलफिल है और दूसरा जो है 2p ऑर्बिटल जो है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। अगर ये px हो या py हो, कोई भी हो, तो क्या होगा, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहेगा। यानी कि उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर केवल हम देखें तो क्या है, ये जो कार्बन है केवल और केवल दो बॉन्ड बना सकता है और वो भी वैसा बॉन्ड बना सकता है जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो, क्योंकि px और py जो है इन्हीं के पास इलेक्ट्रॉन है और ये जो जो ऑर्बिटल है एक दूसरे से 90 डिग्री पर अटैच है, तो जो भी दूसरा शेयरिंग करने के लिए आएगा वो यहाँ या यहाँ आ सकता है। जब यहाँ पे और यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री पे है तो बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जैसे अगर हम मीथेन को ही ले, CH4 को ले, तो हम जानते हैं कि इसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। और क्या है, यानी कि ये जो कार्बन है इसके साथ जो ये हाइड्रोजन अटैच है कुछ इस तरह से अटैच है। और इन सभी के बीच में जो बैंड एंगल है वो कितने का होता है, 109.28 मिनट का। लेकिन यहां का कंडीशन तो ऐसा नहीं दिखा रहा और ये हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, तो क्या रीजन है कि ये फोर बॉन्ड बना पाया और उनके बीच का ये बॉन्ड एंगल इस तरह से हो गया। अगर कोई भी कुछ नहीं हुआ हो, कुछ भी इसमें कैसे ये बॉन्डिंग हो गया कि यहाँ पे 90 डिग्री वाला वहां 109 डिग्री दे दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो कोई ना कोई रीजन है और इस रीजन को एक्सप्लेन करता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग डीजेनरेट एनर्जी स्टेट और हैविंग इक्वल एनर्जी। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है कि जो ऑर्बिटल है वो इंटरमिक्स करते हैं, इंटरमिक्स करके इक्वल नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है और मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो क्या है कि हर स्टेज में अगर
ये क्या हो रहा है, एनर्जी जो है मिनिमम कम हो रहा है, जब एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यानी हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं वो उनकी एनर्जी सेम होती है, और एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी जो होगा वो कम होता है, जिस वजह से वो ज्यादा स्टेबल करता है मॉलिक्यूल। तो देखिए आखिर क्या हुआ कि यहाँ पर इस तरह से ये कार्बन जो है ये बॉन्डिंग कर सका। यहाँ क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है, इसको अगर हम कुछ एनर्जी दे दें तो क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और यहां से जो इलेक्ट्रॉन है एक यहां आके जंप कर जाता है। तो ये क्या हो गया, अब हमारे पास चार ऐसे ऑर्बिटल हो गए जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओवरलैप करके फोर बॉन्ड्स बना सकते हैं। लेकिन अभी भी क्या है कि ये तो अलग, ये तीनों 100 ये जो है 90 डिग्री पे, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है 109 का है। और इवन हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट शेप के और भी कार्बन जो है मॉलिक्यूल बनाता है, तो उस केसेस में होता क्या है, ये क्या है, ये एस है, ये पी एक्स है, पी वाई है एंड पी जेड है। तो यहाँ पे क्या होता है अब इस स्टेज पे कि ये तीनों का मिक्सिंग हो गया, एस का और थ्री पी का, और उसके बाद इंटरमिक्स करके ये जो है फोर ऑर्बिटल बनाए जो सारे के सारे क्या है sp3 है, और ये जो है इक्वल एनर्जी वाले हैं, और इनके पास जो है ये एक दूसरे से 109 डिग्री के एंगल पे है। यानी कि ये जो है ये टेट्राहेड्रली चूंकि अरेंज है, इस वजह से ये मीथेन जो है वो टेट्राहेड्रल है, चूंकि ये एस और ये थ्री पी जो है पी एक्स पी वाई पी जेड ये तीनों क्या हुआ मिक्स हुए, और मिक्स करके तीन और एक चार ऑर्बिटल मिक्स हुए, इसलिए फोर ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और ये क्या होगा, ये जो होंगे ये एक दूसरे से टेट्राहेड्रली अटैच रहते हैं, इसलिए कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनाता है। एस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, और पी जो होता है वो डम्बेल शेप में होता है। तो जो sp3 ऑर्बिटल बनता है उसका शेप कुछ इस तरह से हो जाता है, जो एस वाला पार्ट है वो चूंकि कम है और पी वाला पार्ट जो है वो ज्यादा है, इस वजह से ये नीचे जो स्फेरिकल जो पोर्शन होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। और अब ये ऑर्बिटल जो sp3 ऑर्बिटल बना कार्बन का, वो क्या किया, वो बॉन्डिंग किया, इसलिए फोर बॉन्ड भी बना सका और क्या किया टेट्राहेड्रल भी है। यानी कि जब हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो तो बॉन्ड एंगल क्या होता है 109.28 होता है। अब जो है कभी कभी क्या होता है कि ये जो ग्राउंड स्टेज में यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था और यहां है, तो जब एक एस और यहां से दो पी, ये पी एक्स एंड पी वाई हम मान लेते हैं, ये जब इंटरमिक्स करेंगे उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, सॉरी ग्राउंड स्टेट नहीं, ये एक्साइटेड स्टेट है, अगर ये तीन ही हाइब्रिडाइज, ये तीनों का ही इंटरमिक्सिंग हुआ तो तीन ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, और इसे हम लोग sp2 बोलेंगे, क्योंकि एक एस और दो पी वो मिलके क्या कर रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, तो इसे हम sp2 कहते हैं। और यहाँ पे जो ये pz है वो अपने पोजीशन में जैसा यहाँ पर था एज एटॉमिक ऑर्बिटल, वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा। और ये जो इनका ये सब जो होते हैं एक दूसरे से 120 डिग्री पे अटैच रहते हैं, तो कुछ इस तरह से ये एक दूसरे से अटैच रहेंगे, और यहाँ पे जो ये पी है वो अपने पोजीशन में रहेगा ही। तो ये तीनों क्या करेंगे, ये sp2 वाले ये यहाँ जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और जो ये sp जो रेस्ट बचा हुआ था एटॉमिक ऑर्बिटल वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि अलग अलग केसेस में अगर अलग तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ अलग होगा, और अगर एक एस और एक पी ही केवल क्या हो रहा है
उनका अगर हाइब्रिडाइजेशन हो तो दो ही sp2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और यहाँ पे दो दो जो px py एंड pz जो बचा रहेगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल अपने ही स्टेज में रहेगा और ये दोनों जो है sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाता है। ये दोनों जो है एक दूसरे से 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे रहते हैं। इस वजह से जब भी ये कोई भी बॉन्ड बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो लीनियर होगा, यानी कि 180 डिग्री के साथ ही रहेगा। जैसे कि जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल रहेगा और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये जब भी शेयरिंग करेगा किसी दूसरे एटम से तो 180 डिग्री पे ही कर सकता है। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये 180 डिग्री पे एक दूसरे के साथ रहते हैं। और यहाँ पे ये जो px एंड py एंड pz जो है वो एज यूजुअल जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ये जो ऑर्गेनिक में हमें इन्हीं तीनों का यूज है, क्योंकि कार्बन जो है तीन ही तरह से हाइब्रिडाइज करता है। तो इन तीनों केस को हम लोग थोड़ा कंपेरेबल स्टडी करें कि क्या क्या होता है। जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 हो तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109.28। अगर sp2 हो तो ये 120 हो जाएगा। अगर sp हो तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे शेप क्या होगा, या ज्योमेट्रिक है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है हाइब्रिडाइजेशन पे ही डिपेंड करती है। तो sp3 के केस में ये टेट्राहेड्रल होगा और sp2 के केस में ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और sp के केस में ये लीनियर होगा। यहां पे जितना s है, s जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। तो परसेंटेज s कैरेक्टर अगर हम इसका निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। यहां पे क्या है, 4 ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइज कर रहे हैं और कितना s है, 25% यहाँ पे होगा क्योंकि एक ही s है। यहाँ पे क्या है, 3 ऑर्बिटल में एक s है तो यानी कि 33.3% होगा। और यहाँ पे दो ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, एक s और एक p, यहाँ ये क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो परसेंटेज s कैरेक्टर ये बताता है कि ये जो मॉलिक्यूल होगा कितना इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, यानी कि परसेंटेज s कैरेक्टर से हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को भी बता सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होगी वो सबसे ज्यादा किस में होगी, सबसे ज्यादा sp में, क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये ऑर्बिटल जो है ज्यादा न्यूक्लियस के पास रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी तरफ ज्यादा पुल कर सकता है। इसलिए sp में के केस में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम sp2 के केस में और सबसे कम sp3 के केस में। वैसे ही अगर ये तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की एनर्जी की हम बात करें तो सबसे कम एनर्जी जो होता है वो sp का होता है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसीलिए sp का होगा। उससे जो sp से ज्यादा जो एनर्जी होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का होता है और सबसे ज्यादा जो होगा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का होता है। तो क्या है कि जब sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहे तो वहां पे वो क्या करेगा, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ भी इसी रेशियो में जाता है। sp के लिए बॉन्ड लेंथ सबसे कम, sp2 का उससे ज्यादा और sp3 का सबसे ज्यादा। वजह क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा तो बॉन्ड जो है जिसके साथ वो बॉन्डिंग करेगा वो किस, उस केस में क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने पास आएगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होते जाएगा। sp2 के केस में क्या होगा कि sp के तुलना में यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा और sp3 के केस में उससे ज्यादा होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें इन्हीं तीनों हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानने से हमारा काम हो जाएगा। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन और भी बहुत तरह के होते हैं जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में जानेंगे। थैंक यू।